Look at that. Huh? So nice. ठंडा पानी में अभी मुंह का डुबकी लगाया केकड़ा में. यू कैन सी गाइस, सी गाइस, सी गाइस, सी गाइस, दिस इज व्हाट इज द सी. कुछ समझ आया? कुछ समझा? समझा? हाथ में इस वक्त हूँ यहाँ पे. देखो काफ़ी सारा बाइक खड़ा हुआ है इस तरफ. बाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी यहाँ पे 7 बाइक खड़ा हो चुके हैं और सभी 7 बाइक में पे हम दो दो करके आए हैं. और यहाँ पे क्यों आए हैं हम दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा. देखो काफ़ी रास्ता भी पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी थोड़ा सा पहाड़ हम यहाँ से क्रॉस करके आए हैं और इस वक्त हम जा रहे हैं कुछ अनोखी प्लेस में और मेरा दोस्त काफ़ी आगे चले गए हैं. ये रहा रास्ता, तो अभी मुझे दौड़ के जाना होगा. मैं नीचे जा रहा हूँ अभी पहाड़ का. Oh my God. आज मैं ट्रेसपासिंग कर रहा हूँ, दूसरे किसी के जमीन पे जा रहा हूँ. Oh my God, ऐसा रास्ता है. देखो चलो चलो चलो, क्या रोड यार, कभी डरना रास्ता है. तो इस वक्त मैं अभी जा रहा हूँ जंगल की ओर. ये किसी का जमीन है देखो. Oh my God, पत्थर है देख. आज मैं चट्टी पहन के आया हूँ, जूता नहीं मेरे पास, क्योंकि आज मुझे नदी पे जाना है, इसलिए मैं आज जूता नहीं पहना. वो देखो अभी तक जा रहा है, आधा तो नदी में पहुँच चुका है. ओह माय, मेरा पैर पे दर्द हो रहा है. दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मैं पहना हूँ ना सैंडल, ये काफ़ी पतला है और ये सैंडल मैं जियो से लिया था. और यहाँ पर सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है एनी कनी, क्योंकि यार ये देख चट्टी पहना और बहुत पतला है 1/2 इंच का. अगर ये सब प्लेस में आना हो तो आपको मोटा वाला चट्टी पहनना चाहिए. तो चलो हम यहाँ पे पहुँच गए. अभी देखो इस तरफ भी जा सकते हो. अभी यहाँ पे घने जंगल है और घने जंगल और यहाँ पे देखो ये डैम है, सिर्फ लग रहा है ना डैम. तो अभी मैं ये डैम पे पहुँच चुका हूँ, डैम देखना चाहते हो. यहाँ पे आप नहा सकते हैं ईजिली और यहाँ पे पंप घर है. देखो यहाँ से ये डैम है और यहाँ से पंप घर, यहाँ पे ताला लगाया हुआ है, पंप चल रहा है अभी तक. तो देखो उस तरफ से पानी गिर रहा है, तो हम अभी इस तरफ जाएंगे. काफ़ी धूप है आज, छत्ता उत्ता नहीं लाया, मतलब ट्रेसपासिंग तो ऐसा कुछ गड्ढा है. ओह माय गॉड, चल यहाँ से. थोड़ा सा डरने लगता है प्लेस, और पानी बहुत खूबसूरत से बह रहा है वहाँ पर. हो काफ़ी डरावना है प्लेस, बट काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस भी है. तो फिलहाल हम वहाँ भी रिटर्न चलते हैं भाई, जहाँ पे मेरा दोस्त लोग गया. ये देखो यहाँ से हम जाएंगे. वाह, ये पाइप, ये पाइप इसलिए है कि वहाँ पे पंप हाउस मैंने बताया और ये पाइप इस तरफ गया है, मतलब गाँव की ओर गया है. ऊपर में विलेज है और यहाँ से पानी इरीगेशन होता है, यहीं से ये डैम से पानी लेकर के जाता है. तो हम आगे बढ़ेंगे, वो देखो आगे है, ये देखो पानी है. कहाँ से जाएंगे अभी, पानी नहीं पकड़ूंगा मैं, अभी पानी नहीं छूएंगे. ओह माय गॉड, गिरने वाला था यार मैं. क्या रोड है भाई, यहाँ पे क्रोकोडाइल वगैरह है कि यहाँ पे थोड़ा सावधान से करना पड़ेगा. बट आज ऐसे जंगल के बीच ही आ गए हैं. ओह स्नेल देखो यहाँ पे, मैं कीचड़ में फंस गया हूँ फिलहाल, अभी कीचड़ से निकल करके जा रहा है. खूबसूरत दे रहा है यहाँ से ऊपर, मुझे अभी जाना पड़ेगा. क्या है भाई ये रेट, अभी देखो कितना सारा लोग है वहाँ पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. नहीं आ गया. ए हे देखो, मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैंने अपोजिट साइड में आया था. देखो नदी कितना गहरा है यार, मुझे पहले चट्टी खोलना होगा नहीं तो मेरे चट्टी नीचे आएगा. ओह माय गॉड, ओह
यार काफी गहरा घुसा यार यहाँ पे, देखो पैर कितना नीचे चला गया था। यहाँ से नहीं जा पाएंगे तो आगे से ट्राई करेंगे। यहाँ पर पानी बह रहा है, लग गया था पीछे से, भर गया मेरा जूता, देखो मेरे पेड़ पत्थर चुभ रहा है पेड़ पे। माय गॉड, काफ़ी मैं नदी का उस तरफ था, अभी मुझे इस तरफ आना पड़ा और यहाँ का रास्ता का हालत कुछ ऐसा है। तो मैं अभी जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के पास में। तो क्या रोड है, वाह देखो पानी में कितना आदमी गया, वाह देखा। आज का ये एडवेंचर काफ़ी मज़ा आएगा, मैं तो फिलहाल पानी में नहीं जा रहा हूँ, बट काफ़ी यहाँ पर जो दोस्त लोग है अब सभी पानी में उतर चुका है फिशिंग करने के लिए। ओह माय गॉड, देखो बड़ा सा मिल गया, ये देखो केकड़ा। ओ हो, देखो ये देखो, मैं इसका बड़ा वाला को उठा दिया, अभी केकड़ा। ये देखो भाई कितना बड़ा है, देखो सामने लाओ, ले लाओ भाई। ओ माय गॉड, ये अभी इसका दोनों पंख तोड़ रहा है। ओह ये देखो कितना बड़ा, ओ हो, और एक है वहाँ पे, कुछ शायद मिला है, कुछ शायद मिला है यहाँ पे, या बड़ा सा मिला होगा, पूरा भर गया आदमी। ये मिला है आई 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 संभाल के। ये देखो भाई आई भाग रहा था, इधर है ये देखो, ये देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप है और इसे बेटर मुझे यहाँ पे छतरी नहीं लगा, क्योंकि आसपास में अभी कोई पेड़ वेड़ नज़र नहीं आ रहा, पेड़ तो है बट उस तरफ है, अभी सब बेटर अम्ब्रेला फॉर मी, क्योंकि धूप से बचने के लिए थोड़ा बहुत तो सुकून देगा। ओके और फिर से एक मछली मिला, काफ़ी सुकून आ रहा है ये लगा कर। नदी का इस तरफ यू कैन सी गाइस, बहुत धूप लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं वहाँ पे जाऊँ, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ अभी उस तरफ, फिर अच्छाई है। ओह माय गॉड, तो इसे भी मैं थोड़ा घुमा देता हूँ इस तरफ, जिस तरफ धूप है मैं उसी तरफ, ये ज़्यादा है ना इसे मैं घुमा रहा हूँ। वाह सो काफ़ी बहुत ही खूबसूरत सा ये स्ट्रीम है यहाँ पर, छोटा सा, ये देखो पानी का ऊपर से आ रहा है। ओह माय गॉड, ये देखो देखो काफ़ी अच्छा लग रहा। तो अभी मैं वापस चलता हूँ, काफ़ी अच्छा प्लेस है बट थोड़ा गुफा जैसा है यार। ओह मेरा एक प्रॉब्लम हो गया, मेरा चट्टी टूट गया, अभी वही चट्टी टूट गया आज, कभी ठंडा हवा आ रहा है अभी बाहर में। ये देखो पूरा टूट गया है, अभी क्या होगा पता नहीं यार, इतना दूर तो इससे नहीं जा सकते। मेरे पास एक पिन था तो इसलिए मैंने इस तरह से ये पिन लगा दिया, अभी ट्राई करते हैं अभी होता है कि नहीं। अभी थोड़ा बहुत खतरनाक रास्ता है, ओके सर बुडू विज नाइस प्लेस। वाओ ये देखो नाइस वाटर, या काफी ठंड है पानी, आज मैं काफी अच्छा हेक बनाया हूँ मेरे लिए इसे मैं धो देता हूँ, काफी पिक्चर हो गया यहाँ पे, काफी खूबसूरत सा बह रहा है। मैंने इसे चमका दिया धो धो कर,
जो एडवेंचर है ये कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा ज़िंदगी में, क्योंकि इतना दूर आके ऐसा एडवेंचर करना इस अमेजिंग, और ऐसा फीलिंग ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था, मतलब ऐसा एडवेंचर कभी नहीं किया था, आज पहली बार कर रहा हूँ ये पूरा धूप के अंदर में ये पट्टा उट्टा लगा करके। सो एनीवे काफ़ी अच्छा लग रहा है आज, बस बहुत तगड़ा धूप है बाहर में, फिर भी हम जो मेरा दोस्त है वो लोग अभी तक मछली पकड़ रहा है, अभी जाएंगे, उनका फुटेज मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा आप लोग को तो शेयर और लाइक करने के लिए मत भूलिएगा दोस्तों। बड़ा वाला पकड़ रहा है, बड़ा मछली पकड़ रहा है वहाँ पे, मछली बोल रहा है कि बड़ा बड़ा मछली मिला है। ओह माय गॉड, अभी क्या है कि हम यहाँ पे जाल बैठा दिया है, उधर का मछली इस तरफ आएगा, बड़ा में मछली मैं पकड़ रहा हूँ। आज का मछली ये देखो बहुत बड़ा बड़ा मिला है, काफी लंबा भी है ये भी है देखो। इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल तरह से फिशिंग करना, देखो कितना खूबसूरत ट्रेडिशनल वे में मछली यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। आज का ये माहौल देखकर लग रहा है कि साउथ अफ्रीका का अमेज़न फॉरेस्ट में है, इसे लग रहा है, रहन सहन देख करके, पत्थर उत्थर देख करके, काफ़ी घना जंगल और धूप धूप ही धूप। बट जो भी हो, सोच लो कि आज हम अफ्रीका का अमेज़न का जंगल में है, एनाकोंडा नहीं यहाँ पे, बस बड़ा बड़ा एनाकोंडा साइज का मछली मिल रहा है, धूप तो धूप ही है। और ये मेरा जंगली आज का ड्रेस कैसा लगा आप लोग को कमेंट करना बताना। यही वो झील है, नदी है, जहाँ पे बड़ा बड़ा एनाकोंडा साइज का मछली मिल रहा है, ये देखो एनाकोंडा, ये देखो वाओ माय गॉड, डर भी लगता है। केकड़ा में यू कैन सी गाइस, सी गाइस, सी गाइस, देखो काफी ये गुस्सा हुआ है, इसको हम पकड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ये अभी दोनों तरफ में उठा दिया है, ये कट रहा है देखो। ओह सो स्वीट, ओह स्वीट माय गॉड, ये देखो काट देगा तो क्या होगा भाई, ये देखो कुछ समझ आया, कुछ समझा, समझा समझा, ओए ये आज हमारा पहलवान भाई, ये देखो केकड़े को कैसा पकड़ रहा है, केकड़े पकड़ने वाला पहलवान भाई, केकड़े का भी लॉक होता है, ये पहलवान केकड़े को लॉक देने के लिए आया है, इनको लॉक नहीं मिल रहा है, ये खूब खराब है, ले जाओ ले जाओ, केकड़ा पहलवान, केकड़ा पहलवान है भाई ब्रदर आज का, देखो केकड़ा को कैसा ले जा रहा है। ये भाग रहा था, अभी मैं काफ़ी दूर से पैदल चल के, और काफ़ी धूप है आपको पता ही आज, तो मैंने यहाँ पर टर्बन लगाया था, एक घास का पत्ते का मतलब जंगली पत्ते का वो आया था, उसको मैं फाड़ करके यहाँ पर टर्बन लगा दिया था, काफ़ी मुझे धूप से एक थोड़ा मुझे राहत दिया। बट अभी ऐसा गर्मी लग रहा है यहाँ पर कि मैं ये पहना हुआ, और 34 डिग्री टेम्परेचर है बाहर पे, तो अभी मैं पेड़ का नीचे हूँ, काफ़ी सुनसान वीराना प्लेस है, पानी भी है यहाँ पे, तो काफ़ी दिनों के बाद में एडवेंचर करने के लिए मिला है। सो नाइस, ठंडा पानी में अभी मुंह का डुबकी लगाया,
ऐसे एक्सीलेंट एडवेंचर भाई। काफी ठंड पानी है यहां पे। ओह माय गॉड, यहां पे गंदा लग चुका है मेरे पैर पे। वाओ, हम आ गए होंगे। यस, काफी मजा आया। एंड ऑफ द डे एंड इट इज नाउ टाइम टू लीव दिस प्लेस। घर जाएंगे, वीडियो एडिट करेंगे, डालेंगे, अब तक पहुंचाएंगे। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना दोस्तों। बाय बाय। अब यहाँ पे थोड़ा सुकून भरा बैठा हूँ यहाँ पे। कभी ऊंचाई चढ़ के आया, नदी में फैला खेला, धूप में रहा, बट यहाँ पे एक घर है, पाम घर। ये जो डैम दिख रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा बहुत बड़ा डैम है शायद। यहाँ पे डैम ला करके पानी स्टोर करके ये पानी यहाँ से उठाया जाता है इरिगेशन के लिए। नॉन प्लेस है, कभी ये प्लेस में आया नहीं था, यही मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। शायद आप लोग के लिए भी फर्स्ट टाइम होगा अगर किसी ने नहीं देखा तो। काफ़ी मज़ेदार प्लेस है बट यहाँ पे आना उतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है। यहाँ पर डैम है थोड़ा, अगर डैम में गिर गया तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ मतलब प्रोटेक्शन नहीं है, तो रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है बट यहाँ पर प्रोटेक्शन भी नहीं है। अभी हम जाएंगे उस तरफ, जा रहे हैं, जाएंगे। पानी प्यास लग रहा है, मेरा गला सूख चुका है। और ये घर में आपको पहले बताया, ये घर पंप घर है। पंप घर का अभी पीछे बैठा हुआ हूँ, एक ब्रदर आ रहा है पूरा। एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगा, वो नीचे से आते आते यहाँ तक आते आते पेट दुख रहा है, सांस फूल रहा है, सब कुछ हो रहा है। जितना दूर आए थे नीचे से ऊपर और उतना ही दूर हमको जाना है। तो सोच लो पहाड़ में चढ़ना कितना टफ होता है। हम लोग तो हर रोज यार सीढ़ी चढ़ना उतरने के लिए, दो मंजिल का सीढ़ी चलने के लिए बहुत गुस्सा करते हैं। कोई तो पीठ में उठा के ले जाओ, गोद में उठा के ले जाने से अच्छा रहेगा। क्या होगा भाई, बहुत थक चुका आज। सबका मुंह देखो भाई, सबका मुंह देखो, पता चल जाएगा क्या हालत हो रहा है यहाँ से आते हुए। रेगुलर आने वाला आदमी बोल रहा है, इसीलिए लंगड़ा लंगड़ा के आ रहा है देख। ये बोल रहे रेगुलर आने वाला है, एक देख लाठी पकड़ के आ रहा है। सबका दम निकल जाता है भाई ये रास्ता में आते जाते तो। काफी भयंकर है, और शायद कोई नीचे है किला तो और भी है देखो ऊपर में जाने के लिए। तो इस वक्त देखो कोई भी जाने का प्लान नहीं कर रहा है अभी यहाँ से हिलने का, सबका मन भर चुका है। सब आराम कर रहा है यहाँ पे, मतलब सब कारगिल कारगिल से जाके। वाह नाइस, गाड़ी में आराम करेंगे। सो सारा भाई यहीं पे था अभी।